राज्य में बढ़ रही मॉब लिंचिंग की घटनाओं को लेकर आज 15 जिलों के कांग्रेस कार्यकर्ता अपने कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर के नेतृत्व में अपने विधायक दल के नेता आलमगीर आलम और प्रदेश अध्यक्ष रजेश ठाकुर से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा और जल्द ही नया विधेयक लाने की मांग की है। बता दें कि विधानसभा से दिसंबर 2021 में मॉब लिंचिंग विधेयक को पास कर राजभवन भेजा गया राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए, जिस पर राजभवन ने विधेयक में कुछ त्रुटियों का हवाला दिया और सरकार को उसमें सुधार करने की बात कही थी। देखिए, मॉब लिंचिंग वाला जो है वो विधानसभा में 2021 को हम लोग पारित करके भेजे थे, बाद में माननीय राज्यपाल महोदय ने उसको 2022 में उसको लुटा दिए थे और आज तक उसका कानून नहीं बन पाया और दोबारा विधानसभा में पारित भी नहीं किया गया था। इस सिलसिले से कुछ पूरे झारखंड के सभी जिला के दो चार आदमी करके आए थे और मॉब लिंचिंग का ये देश में नहीं पूरे बहुत सारे राज्य में हो चुका है। वो लोग कहे कि हम माननीय मुख्यमंत्री से बात करके आने वाले समय में दोबारा इस बिल को लाकर जो कमी था उसको सुधार करते हुए माननीय राज्यपाल महोदय के पास भेजेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।